न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। चुनाव बिहार में है और प्रचार रेवाड़ी में शुरू हो गया है। जी हां, बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद एवं हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव के बेटे विधायक चिरंजीव राव ने आज रेवाड़ी की अनाज मंडी पहुंच बिहारियों से मुलाकात की और आने वाले चुनाव में कांग्रेस राजद गठबंधन को सफल बनाने के लिए लालटेन का बटन दबाकर वोट देने की अपील भी की। इस दौरान बिहारियों से बातचीत में जब चिरंजीव राव ने उनसे ये कहा कि वे लालू यादव के दामाद हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं, तो लालू यादव का नाम सुनकर बिहारियों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि मौजूदा शासन काल में आज हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। कोरोना काल में लगे लॉकडाउन में बिहार के श्रमिकों ने हजारों किलोमीटर का पैदल सफर तय करके जो यात्राएं सहन की हैं, उन्हें बिहार की जनता कभी नहीं भुला पाएगी। ऊपर से कोरोना के नाम पर सरकार ने लाखों करोड़ों का बजट देने का जो दावा किया, लेकिन धरातल पर मजदूरों को एक रुपया तक नहीं मिला, उन्हें भोजन बड़ी मुश्किल से मिला है। उन्होंने कहा कि इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में बदलाव निश्चित है और आने वाले दिनों में पूरे देश में कांग्रेस तथा विपक्ष पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। रेवाड़ी से न्यूज वाइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। चुनाव है उसको लेकर अब बिहार के कुछ लोगों से आपने बातचीत की है, वोटों की अपील भी की है, बिहार चुनाव को लेकर उसको लेकर क्या कहें? देखिए, क्योंकि हमारी कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का अलायंस बिहार के अंदर है और क्योंकि काफी बिहार के मतदाता भी हमारे यहाँ पर हैं और बहुत सारे लेबर जो हैं बिहार से यहाँ पर आते हैं काम के सिलसिले के अंदर, तो उनसे मैं चर्चा कर रहा था कि भाई हमारी पार्टी का प्रचार भी करें, क्योंकि दोनों काम इसके अंदर हो गए। एक तो हम किसानों के बारे में भी यहाँ जान पाए और लोगों को बताया भी गया कि भाई वहाँ पर मदद करना चाहिए, क्योंकि आज नुकसान। अभी आप लोगों को बताया कि मैं लालू यादव का दामाद हूँ, तो किस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ लोगों में देखने को मिली? देखिए, मुझे लगता है बिहार भी क्योंकि कप्तान साहब मेरे जो फादर हैं उनको भी इलेक्शन कमेटी का मेंबर वहाँ पर बनाया है और समय समय पे मैं भी वहाँ पर लोगों से बात करता रहता हूँ। यहाँ भी मेरी बुजुर्ग बार से बात हुई, उनकी तो उम्र काफ़ी ज़्यादा थी और सुनने में भी उनको परेशानी हो रही थी, पर जब मैंने लालू जी का नाम लिया तब उनके चेहरे पर जो खुशी है वो साफ नज़र आ रही है और अभी भी काफ़ी सारे लोगों से यहाँ पर हम मुलाकात करेंगे। चाहे नोटबंदी हुई हो देश के अंदर, उसमें गरीब आदमी ही दुखी हुआ, उसके बाद इन लोगों ने GST किया उससे भी आम आदमी दुखी हुआ, और जो लॉकडाउन इन लोगों ने लगाया उससे भी हम सब उसको कैसे भूल सकते हैं कि हजारों किलोमीटर तक हमारा जो मजदूर है पैदल चलकर वहां पर गया, उसको खाना नहीं मिल पाया, कोई सुविधा उनको नहीं मिली सरकार की तरफ से, ना राशन मिला। लाखों करोड़ों रुपए का एक पैकेज का अनाउंसमेंट हमारी सरकार की तरफ से किया गया था पर एक रुपया लोगों को नहीं मिला, तो मुझे लगता है लोग इस सरकार के को समझ चुके हैं। और बिहार के अंदर तो बदलाव आएगा ही आएगा पर पूरे देश के अंदर आप देखेंगे आने वाले समय के अंदर कांग्रेस पार्टी और जो विपक्ष है बहुत मजबूत आगे बढ़ेगा।